हेलो गाइज, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। अब हम बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए निकल चुके हैं, तो हम आपको बांके बिहारी मंदिर के बारे में कुछ अपने वीडियो ब्लॉग्स के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं कि बांके बिहारी मंदिर भारत के मथुरा के जिले में वृंदावन धाम में बिहारीपुरी में स्थित है। आप जनजीवन को और यह भारत के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। और बांके बिहारी जी का यहाँ पे एक स्वरूप की पूजा की जाती है और इसका निर्माण 1864 ईस्वी में हरिदास जी ने करवाया था। वो एक बहुत बड़े संगीतकार संत थे। बांके बिहारी के आगे में ऐसा कहा जाता है कि बांके बिहारी जी के आगे में बार बार पर्दा को डाला जाता है, यानी बार बार पर्दा डाला जाता है थोड़ी देर के लिए। ये इसकी वजह यह है कि श्रद्धालु जो हैं बांके बिहारी को अधिक देर तक ना देख पाए, क्योंकि जो हमारे बिहारी जी हैं वो बड़े मतलब बाल्य रूप की वहाँ पे पूजा की जाती है और बड़े चंचल होते हैं। ज्यादा देर देखने से ऐसी मान्यता है कि कई बार एक बार बिहारी जी वहाँ से किसी श्रद्धालु के साथ चले गए। तो आप ये देख रहे हैं मथुरा की गलियां, वृंदावन की ये भीड़ जो दिल्ली को भी मात दे रही है। आपके आकर के खुद ही धक्का लगता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के, मंदिर की ओर आगे जा रहे हैं। गलियां बड़ी सक्रिय है, लोग भक्ति भावना से लगे हुए हैं। तो भगवान कृष्ण जी स्वामी हरिदास की भक्ति से प्रसन्न होके ही यहाँ उन्हें दर्शन दिए थे और जो निधिवन के काले रंग की पत्थर के रूप में यहाँ प्रकट हुए। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि बांके बिहारी के मंदिर में कई अनेक रहस्य हैं, जैसे कि यहाँ पे केवल अनुमान लगा ही सकते हैं, केवल एक दिन ही मंगल आरती की जाती है। हमारे साथ वर्ष में सिर्फ एक बार ही भगवान बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन किए जाते हैं। इसके अलावा साल में एक बार ही बसरी और मुकुट का धारण किया जाता है। बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर घंटियाँ की आवाज नहीं सुनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे उनके बाल्य रूप की पूजा की जाती है। भीड़ में से देखिए मैं चीज की बांके बिहारी मंदिर में अंदर जा रही हूँ और काफी तादाद में लोग वहाँ पे जाने के लिए भक्ति भावना से। ये रहा बांके बिहारी मंदिर, जिसका मैं आपको आगे की ओर दिखा रही। भीड़ इतनी है कि मैं पूरी ऊंचाई से आपको दिखा नहीं पा रही हूँ मंदिर का। ये मेन गेट है और ये देखिए जो है ये रहा मंदिर का पूरा जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है मंदिर का प्रांगण, मंदिर का अंदर है, बाहर का रूप। अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं, मंदिर के अंदर बिल्कुल अंदर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस गेट से जाना है तो ये देखिए गर्मी भी काफी है और लोगों की भीड़ भी यहाँ पे काफी है, लेकिन दर्शन तो करना ही है श्री जी का। तो हमने श्री जी के दर्शन करने के लिए पूरी व्याकुलता से हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो गाइज, आप भी दर्शन कीजिए बांके बिहारी जी का और अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूरी कीजिए। हम आपको अंदर की ओर लेके चल रहे हैं, भीड़ काफी है और अब हम गेट के अंदर की ओर जा रहे हैं। सीधे तो ये पूरा दृश्य हम आपको दिखाएं कि बांके बिहारी जी के हैं, बांके बिहारी जी में उनके किस स्वरूप की पूजा होती है। और अब लीजिए मैं आपको दर्शन करवा रही हूँ, सीधा दर्शन करा रही हूँ। 2 मिनट के लिए पर्दा हटा है और ये मैं फोटो बांके बिहारी जी का बिल्कुल फ्लो से ले रही हूँ। आपको फोटो मिला है लेकिन किसी तरह से मैं छुप छुपा के आपके लिए वीडियो ले रही हूँ। आप भी दर्शन कीजिए और बांके बिहारी जी से अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगिए। पूरी जय जयकार हो रहे हैं, भक्ति भावना में लोग लीन है। और आपके लिए मैं ये सीधा दर्शन करवा रही हूँ बांके जी का, तो दर्शन कीजिए। तो गाइस, जब दर्शन हो चुके हैं, आप अब ये देखिए ये भीड़ से अब मैं निकलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि दर्शन मेरा हो चुका है और मैं बाहर की ओर निकलना चाह रही हूँ। तो मैं बाहर निकल रही हूँ, ये देखिए मैं बाहर की मेन गेट नंबर 1 से मैं निकल रही हूँ।
तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बांके बिहारी मंदिर भी जरूर जाना है और वहां जाके अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। अगर कोई मनोकामना ना भी हो तो भक्ति भावना से आप वहां जा सकते हैं। आप देख रहे थे इशू ट्रैवल ब्लॉग्स और मैं थी आपकी दोस्त आपकी प्रियंका। थैंक यू।